हेलो गाइस, वेलकम टू पूनम की रसोई। आज हम बनाएंगे साबूदाना की फरियाली खिचड़ी। ये बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनती है, आप एक बार जरूर इसको ट्राई करें। इसका तरीका बहुत ही सिंपल है बनाने का, आप मेरे साथ जुड़े रहें। साबूदाना ले लिया है और इसको मैंने 2 बार टैप के पानी से वॉश कर लिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी, और पानी आपको साबूदाना से आधा इंच ऊपर रखना है। ये सबसे आसान तरीका है साबूदाना गलाने का। और अब हम इसको ढक के छोड़ देंगे 4 घंटे के लिए। बीच में एक बार आप इसको चला दें और 4 घंटे तक हम साबूदाना को गलने देंगे। 4 घंटे हो गए हैं साबूदाना में पानी डाले हुए और ये साबूदाना गल गया है। ये देखिए बहुत अच्छे से ये टूट रहा है। इसको मैं दूसरे बर्तन में डाल लूंगी और ये देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से गल चुका है। बहुत ही अच्छे से पूरा साबूदाना खिला खिला बना हुआ है। तो आपको साबूदाना अच्छा वाला ही लेना है और इसको इसी तरह से गला देना है। मैंने दूसरे बर्तन में डाल दिया है साबूदाना को और अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून चीनी। मैंने ये 2 टेबल स्पून चीनी डाल दी, 250 ग्राम साबूदाना हमने गलाया था। और अब हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक मैंने 1 चम्मच लिया है। आप कितना साबूदाना गला रहे उस हिसाब से ही आप नमक ऐड करें। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको फिर से हम ढक के रख देंगे। एक घंटा हो गया है, हमने इसमें चीनी और नमक मिला के रख दिया था। अगर आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा तो आप जब साबूदाना गलाते हैं उसी टाइम चीनी और नमक ऐड कर दें। हमने एक कढ़ाई रख दी गैस में और इसमें मैं तेल डाल दूंगी। ये 1/3 कप तेल है। तेल गरम हो गया है, मैं इसमें आधा चम्मच जीरा डाल दूंगी। और इसी के साथ हमने ये 2 मिर्ची काट के ली है। मिर्ची 1 मिनट पक गई है। और ये हमने लिए 2 मीडियम साइज के आलू। आलू में थोड़ा सा नमक डाल देंगे। आलू में मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और हम आलू को फुल फ्लेम में ही पका लेंगे। आलू को ढकेंगे नहीं, नहीं तो वो बहुत ही मैसी हो जाएगा। आलू को आप खुला करके ही पकाएं और फ्लेम को कर देंगे फुल और आलू को पका लेंगे। 3 मिनट हो गए हैं और ये बहुत ही अच्छे से क्रंची हो गए हैं आलू सारे। हमने इसको फुल फ्लेम में ही पकाया है। हम इसमें क्रश की हुई मूंगफली डाल देंगे। हमने इसको पल्स में 2 से 3 बार चला लिया है। 1 कप मूंगफली थी, इसको हम अब सेकेंगे मीडियम फ्लेम में। ये मूंगफली मैंने घर में ही सेकी थी, जिसको मैंने अभी क्रश किया है। इसका वीडियो मैंने अपने चैनल में डाल दिया है। अब हम मूंगफली का हल्का सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। मूंगफली को हमने 1.5 से 2 मिनट तक सेक लिया है मीडियम फ्लेम में ही चलाते हुए। अब हम इसमें डाल देंगे ये साबूदाना। फ्लेम को हमने लो कर दिया है। आप याद रखें, जब आपको आलू सेकनी है तो हाई फ्लेम में, मूंगफली आपको मीडियम फ्लेम में सेकनी है, और जब आपको साबूदाना डालना है तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है। साबूदाना को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच मिर्ची। साबूदाना की खिचड़ी घी में भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको घी में बनाएं, रिफाइंड ऑयल में बनाएं, ऑलिव ऑयल में बनाएं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उस चीज़ में इसको बना सकते हैं। इसमें सरसों के तेल में ये नहीं बनती है, नहीं तो सरसों का तेल हल्का सा कड़वा होता है तो वो अपना फ्लेवर दे जाता है, इसलिए इसको सरसों के तेल में नहीं बनाते। बाकी आप किसी भी चीज़ में इसको बना सकते हैं। अब मैं इसको कवर कर दूंगी 1/2 मिनट के लिए। 1/2 मिनट हो गए हैं, हम इसको एक बार फिर से चला लेते हैं और 1 मिनट के लिए वापस ढक के पका लेंगे। आप फ्लेम को स्लो ही रखें और चला जरूर दें, नहीं तो कढ़ाई में नीचे से चिपक जाएगा साबूदाना, इसलिए आप चलाते हुए ही पकाएं। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए वापस ढक देती हूँ। 1 मिनट हो गए हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे सेट्रिक एसिड। अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू यूज कर सकते हैं। इसको ज्यादा नहीं डालना, हमको 2 पिंच ही डालना है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा। और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। और अब हम डाल देंगे धनिया। धनिया को भी कर देंगे मिक्स। ये गाइस बहुत ही टेस्टी
साबुदाना की खिचड़ी बन के तैयार है। अगर आपके यहाँ नमक खाते हैं तो आप सेंधा नमक डाल के ऐसी खिचड़ी बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनती है, ये हमारे यहाँ बहुत बनाई जाती है, ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो अगर आप नमक खाते हैं फास्ट में तो इसको आप एक बार जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। और अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये खिचड़ी बना के सर्व कर लिए। और ये मेरे पास हरियाली मिक्सचर है, ये मार्केट में आराम से मिल जाता है, तो आप इसको जरूर ले लें, ये इस खिचड़ी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं ये मिक्सचर डाल देती हूँ और गाइस इसको आप जरूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनके तैयार हुई है। बनाना बहुत ही इजी है और जब आप खाएंगे तो आपको मजा तो आने वाला ही है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।